कैमरा थोड़ा अप होना चाहिए, ऐसे देखने के लिए ऐसे देखने। तो ये वीडियो बहुत एमरजेंसी में बना रहे हैं, एमरजेंसी में नहीं पर लाइक बिना प्रिपरेशन का बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम ये आज का दिन रिकॉर्ड करें, जो हम लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन माय माइंड। हम चाहते हैं कि मेरा माइंड को हम थोड़ा काम करें एंड आई नीड टू टॉक टू माय सेल्फ। तो उससे पहले हम कुछ खाएगा, खा के वीडियो करेगा। तो मैं बस ऑलरेडी एक है जो मेरा डिनर था और यहाँ पे एक ही मोमो ही हो जाएगी, दो मोमो हम खा चुके हैं। तो हम उसको बहन को पूछते कि वो खाएगा क्या, क्योंकि उसे खाने का मन कर रहा था पहले से। एंड तो ओके, इतना कोरियन ड्रामा देखते हैं ना कि हमको लगता है जो भी कोरियन ड्रामा देखते हैं ना उसको पता है कि टोकपोके क्या है, स्पाइसी राइस के क्या है। एंड इसका लेवल हम पहले नहीं देखा था कैसा कुक करना है, क्योंकि हमको पता है कैसा कुक करना है, पर हम सोचा कि ये भी से कप नूडल्स की तरह होगा। तो हम क्या किए कि सब कुछ डालने के बाद हम गर्म पानी डाल के कवर करते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है कवर करने, क्योंकि ये थोड़ा पेपर का है तो श्रिंक हो रहा था एंड पेपर एंड लेस प्लास्टिक। पर यहाँ पे दिया गया है कि हम जैसे ही किया वैसे ही करना है, बस माइक्रोवेव में 3 मिनट to 2 मिनट रखना है। और जो कि हमारे यहाँ पे माइक्रोवेव नहीं है, ट्राई करते हैं। ये कुक बिल्कुल नहीं हुआ, तो खा ही नहीं सकेगा वो, गैस में कुक करना पड़ेगा। और हम बहुत पानी नहीं डाल दिया, हमको स्पाइसी पसंद है, स्पाइसी है। इसको कुक कर जाते हैं। और ये आपका ये बुलडॉग होट चिकन फ्लेवर तो पक्के। ओ यहाँ पर इतना बड़ा सा माइक्रोवेव इन यूज लिखा हुआ है, स्टार्ट, बी केयरफुल ऑफ हाउ इट वर्क्स। वो कुक हो रहा है, अंदर नहीं खाना चाहता जल्दी जल्दी। आई एम बैक। ये कैमरा का एंगल मुझे बहुत इफेक्ट कर रहा है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये जो कप नूडल्स है, हाँ कप तो पोके है। इसका राइस केक बहुत सॉफ्ट है और मैंने बहुत सारा पानी डाल दिया है, जो कि अभी ये बहुत और इसका झूल बहुत सारा है। देख के मैं दिखा देते हैं, बहुत ही वाटरी हो चुका है पर टेस्ट बहुत ही अच्छा है अभी तक। और ये मेरा डिनर, हम लोग का बॉयल सब्जी, मिठून मशरूम, राइस। और मेरा नाखून बहुत गंदा है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं मेरे हाथ को। और ये हम नींबू पानी। और हाँ, जो स्टोर बोर्ड जहाँ पे आपको टोपोके कुक करना पड़ता है उसका कंपेयर में ये वाला टोपोके जो कप नूडल्स में है ये बहुत ही सॉफ्ट है। तो आपको थोड़ा कम पानी डालना होगा और कम टाइम में पक जाता है। तो यहाँ पर
आई थिंक हम कुछ कुछ टॉपिक्स कवर करेगा, जैसे कि अभी हम लाइफ में क्या कर रहे हैं, हमको कहाँ जाना है, एटलीस्ट कल क्या करना है या परसों क्या करना है। हम कुछ मैसेज आए, हम देख रहा था कितना अच्छा नहीं लग रहा, हमको बहुत दुखी लग रहा है क्योंकि हमको और स्पाइसी चाहिए। तो आज का दिन से स्टार्ट करते हैं। आज का दिन कैसा था? उसका दिन बहुत टाइम था, अभी भी मेरा पाँव दर्द कर रहे, और उनको अभी भी ऐसा लग रहा है कि हम धूप का नीचे खड़ा हुआ है। बहुत गर्मी, तो वैसे तो अभी मेरा मास्टर्स फाइनल ईयर में है और अभी मेरा रिसर्च डिसर्टेशन टाइम है। अभी हमको कुछ रिसर्च करना है, कुछ प्रोजेक्ट्स में ज्वाइन करना है या फिर अपना खुद से जो करना है उसके बाद रिपोर्ट देना है। तो अभी मार्च ना अप्रैल में मई का आई थिंक 26 को हमको मेरा राइटिंग सब कुछ सबमिट करना है। तो मेरे पास सिर्फ अप्रैल वन मंथ का ही टाइम है, और इसमें भी अभी मार्च तो ऑलरेडी हाफ मार्च तो निकल गया। तुमको लग रहा है बाद में मेरा ये पंगा का आवाज़ बहुत आएगा, ऑफ कर देते हैं जो कि बहुत गर्म होगा पर भी। तो अभी मार्च में हमको प्रपोजल भी सबमिट करना है 2 या 3 दिन से पहले, क्योंकि मैंने मेरा पहले वाला जो टॉपिक था उसको हम चेंज करते हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम था कुछ। हमको प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा था जो हमको हेल्प करेगा, जिस जहाँ पे हम लेबोरेटरी यूज़ कर पाएगा, और वो लोग का भी कुछ गलती नहीं है। हम लोग को जो लेबोरेटरी चाहिए, हम लोग को जो हेल्प चाहिए, वो लोग के पास वो फैसिलिटी नहीं था, क्योंकि वो डिपार्टमेंट अभी आई थिंक अरुणाचल में इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का डिपार्टमेंट है ही नहीं कहीं में। तो सॉरी, तो कुछ मंथ्स पहले मेरा फर्स्ट इंटरव्यू भी दिया मैंने, अपना फर्स्ट जॉब इंटरव्यू। एक्सपीरियंस अच्छा था, बट आई थिंक मेरे पर अपना तो आई डिड मेरे फुल ऑफ माई सेल्फ। इतना सिंपल से जो आंसर क्वेश्चन पूछा गया था मेरा ही सब्जेक्ट का ऊपर में, इकोलॉजी का ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि ऐसा हुआ था कि वो लोग पूछ रहे हो, उसके बाद हम पूरा नर्वस हो गया था और हम भूल गया था, लिटरली हम भूल गया था क्या है आंसर। उसके बाद हम मेरा इंटरव्यू सेशन ख़त्म, उसके बाद हम जैसे उठाई हम जा ही रहे, हम मतलब दरवाज़ा जैसे पकड़ा ही है कि हमको आंसर याद आ गया। हम सोचा बोल दूँ क्या, फिर हम सोचा कि नहीं ये जॉब इंटरव्यू है, ऐसा नहीं कि तुम कोई टीचर तुमको पूछ रहा है और तुम मतलब नहीं होती क्या ऐसे, मतलब जाते जाते आंसर दे दिया। तो हमको अभी हमको सोचने में ऐसे लग भी रहा है कि हमको बोलना चाहिए था, वो आंसर देना चाहिए था, क्योंकि बहुत रिग्रेट फील है, पर भी हो जाएगा, पता नहीं अभी ये बात समझ में आएगा कि नहीं आपको। और ये वीडियो आई थिंक बहुत लंबा होने वाला है, और पता नहीं कोई देखेगा या भी नहीं। कहानी ना बीच बीच में चेंज कर देते हैं। YouTube के बारे में बताते हैं कि कैसे YouTube स्टार्ट किया है। तो ऐसे ही बहुत देख रहा था सबको कि हाँ YouTube से इतना पैसा कमा रहे हैं या फिर YouTube से ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो पहले मेरा फर्स्ट वीडियो जो डाला था बस्सी में, और हमको अच्छा लगता है वीडियो क्लिक करना, फोटो क्लिक करना, अपना नहीं पर किसी और का, एक फ़ोटोग्राफर बनना। और उससे पहले मेरा इंस्टाग्राम में ट्रैवल हेयर अकाउंट हम खोल दिया था, क्योंकि हम चाहते थे कि हम अरुणाचल को प्रमोट करेगा, लाइक जितना हो सकता है जितना फ़ोटोज़ हम डालेगा, ट्रैवल का कहानी को हम बताएगा, जैसे हम बस्सी जाते थे तो वो लोग
हम लोग को पुराना जमाने का कहानी बताते हैं, वो कहानी बहुत अच्छा होता है, तो हम चाहते हैं कि हम सुने, मेरे फ्रेंड्स लोग भी सुने और बाहर के वाले लोग भी सुने, और पर उस हिसाब से मैं इतना पता नहीं था कि ये बहुत हार्ड होने वाला है, क्योंकि आपको कॉन्स्टेंट सोशल मीडिया में रहना पड़ता है, आपको पता होना पड़ता है कि अभी का ट्रेंड क्या हो रहा है, क्योंकि आप सोशल मीडिया में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ हम ऐसे ही डाल देगा, हमको ये दिखाना है हम ऐसे डाल देगा, नहीं, आपको देखना पड़ता है कि ऑडियंस कहाँ से मिल रहा है, ऑडियंस को कैसे ग्रैब करेगा, क्योंकि मेरा मोटिव था कि आदमी लोग देखें, अरुणाचल के बारे में समझे, अरुणाचल के बारे में पता चले वो लोग को, तो हम ये नहीं चाहता था कि हम जस्ट अपलोड करेंगे और कुछ भी ऑडियंस नहीं होगा, हमें ये नहीं चाहता था। तो स्टार्टिंग में तो हाँ बहुत अच्छा किया, थोड़ा फॉलोवर भी बढ़ गया था, उसके बाद मेरा इंस्टाग्राम में 3 अकाउंट हो गया था, एक जो मेरा अपना ही था उसको हम प्राइवेट रखा था, और एक को भी हम पब्लिक अकाउंट कर दिया था, जहाँ पे हम थोड़ा मोड़ा मेकअप वेकअप डाल के फोटो डालने वाला। तो अभी मेरा टाइम जो ऐसे गई थी कि जी मेरा प्राइवेट वाला है जो कि हम अभी यूज़ करना भूल गया, और ये मेरा पब्लिक वाला को जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं और ट्रैवल ईयर भी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम मेरा कोर्स जब ज्वाइन किया था तो ऐसा लाइक जब सीन आ गया था, जब हम लोग मतलब हम लोग क्लास में लोग सब बोल रहे थे कि हम लोग कैसे सस्टेनेबल बनेगा, लाइक अभी हम लोग इतना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इतना हम लोग जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो अच्छा नहीं है इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं कि ये 5G का टावर डाला, इतना सारा बर्ड लोग वो इलेक्ट्रिक से मर जाते हैं, वेव ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम लोग ये बात कर रहा था, सब ग्रुप में डिस्कस कर रहा था कि हम लोग कैसे एक मतलब इन्वायरमेंट बैकग्राउंड से ही हो कि हम लोग कैसे हेल्प करेगा। तो ये और अभी तो हमको ऐसा नहीं लगते, हमको नहीं लगता कि ये बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि अभी हम बोलेगा कि हाँ ये हम लोग को ये नेबर लोग इतना हल्ला कर देना, हम लोग को लाइक हम लोग को पता है कि अभी हम लोग का वर्ल्ड में कितना ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, क्लाइमेट चेंज चल रहा है, क्योंकि हमको स्टैंड लेना चाहिए ऑब्वियसली, पर अभी हम लोग स्टैंड लेगा भी तो हम लोग का फ्यूचर लोग या फिर उससे फ्यूचर लोग नहीं बचेगा, पर हम क्या बोल रहे हैं वो इसको कट कर देते हैं। क्या बोल रहा था, हाँ वही सोच लो, वो फोन वाला इतना यूज करते हैं, उससे भी तो कितना रेडिएंट निकलता है, जो कि हम लोग के लिए भी तो खराब है, अगर कोई टावर का सामने में किसी से जरूरत है ऑब्वियसली उसको हम लोग से ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो टावर का सामने रहते हैं। तो बर्ड का भी ये इशू, कितना बर्ड मर जाता है, इसका पेपर है, न्यूज़ में देखता है, न्यूज़ में इतना नहीं देखते क्योंकि हमको तो नहीं लगता न्यूज़ में जितना इम्पोर्टेंट न्यूज़ हम लोग को मिलना चाहिए, करेक्ट वे में मिलना चाहिए, ऐसा होता नहीं है, आई थिंक मीडिया मीडिया हाउस ऑफ इंडिया मीडिया हाउस ऑफ हाँ इंडिया, पर इंडिया का जितना भी जगह, आई थिंक दे कैन डू सम बेटर वर्क। हमको लग रहा है नीचे में इंग्लिश सबटाइटल देना के लिए सबटाइटल देना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड को पता नहीं हम लिख भी पाएगा कि नहीं। ओ ये फ़ोन का टावर के बारे में बात कर रहा था ना, तो हम लोग डिसाइड हम लोग जैसे बोल रहा था कि हम लोग कैसे फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, तो एक स्टूडेंट बोला कि ये पॉसिबल नहीं है, जो कि बहुत सही है, क्योंकि अभी भी हम भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, घर में पर वाईफाई चल रहा है ऑब्वियसली, और ये पॉसिबल नहीं है, पर उससे हम क्या सीखे हैं कि हम लोग जितना यूज़ करते हैं, जैसे कि हम और उसके बाद हमने गूगल में गया कि 1 मिनट में हम लोग जब यूज़ करते हैं तो कितना गैलन उसका वेव निकलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा था, तो अगर आप 30 मिनट में लेते तो बहुत ज़्यादा है,
तो अब हम सोचा कि जो मेरा 3 अकाउंट है वहाँ से हम एक ही अकाउंट कर देते हैं। तो हम मेरा वाला जो पब्लिक अकाउंट था उसको हम बंद कर दिया। हाँ, उसको मैंने बंद कर दिया था, डीएक्टिवेट कर दिया था। और जो मेरा ट्रैवल याद अकाउंट था उसको हम थोड़ा चला रहा था, और आगे में भी थोड़ा प्रोसेस हो रहा था। कुछ प्रोटेस्ट CAA का समय में आई थिंक बहुत चल रहा था, क्योंकि मैंने कुछ कुछ पोस्ट डाला ये CAA हम लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है एंड क्यों आउटसाइड ऑफ नॉर्थ ईस्ट वाला हम नॉर्थ ईस्ट को सपोर्ट करना चाहिए। सॉरी थोड़ा सा। तो अभी 2 अकाउंट हो गया ना मेरे पास। तो ट्रैवल हेयर अकाउंट भी बाद में जाके हम सोचा कि हम मेरा जो मेरा पिकुनस है उसको ही हम मेरा मतलब हम मिक्स कर देते हैं, जहाँ में हम मेरा प्राइवेट वाला डाल रहा था और जहाँ में हम मेकअप भी डालेगा, और अभी मेरा ट्रैवल हेयर में जो मेरा स्टैंड आना शुरू हो गया उसको भी डाल देगा एक ही अकाउंट में सब। और हम ट्रैवल हेयर अकाउंट को भी बंद कर देते हैं, और मेरा जितना भी फॉलोवर था उसको हम वो लोग का मतलब मेरा फॉलोइंग में जाके वो लोग के अकाउंट से हमको अनफॉलो करने दिया, मतलब सब हटा दिया, और मेरे फॉलोवर 0 हो गया था। पर अभी हम वापस खोल दिया क्योंकि पता नहीं एक अकाउंट में 3 डिफरेंट कंटेंट डालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत मिक्सअप हो जाता है। और अभी 3 अकाउंट दोनों चल रहे हैं, और जो मेरा पहले वाला प्राइवेट पब्लिक अकाउंट था अभी वो मेरा बिजनेस अकाउंट बन गया। आई थिंक ये वीडियो कहीं और जा रहा है, तो हम इसको पता नहीं ये वाला वीडियो को अभी हम क्या दूँ, मेरा क्या पता नहीं। ठीक है, ये पास का बात हो चुका है, अभी प्रेजेंट में। हाँ, प्रेजेंट में बात कर रहा था, बात चल रहा था ना कि आज का दिन कैसा गया, बहुत टायरिंग, जो कि हम बोल चुके हैं। जॉब इंटरव्यू हुआ था ना वहाँ गया, उसके बाद मुझे ये स्किल विदान कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहाँ में आपको सर्टिफिकेट भी मिलते हैं, और 3 मंथ का है तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है स्टूडेंट के लिए। उसमें मुझे डाला लाइक बोला कि अप्लाई करो, लाइक हाँ अप्लाई किया। जोरहट में लाइक वहाँ पे 3 इंस्टीट्यूट मिलते हैं, पासीघाट नियरेस्ट एंड जोरहट में है कि उसका भी एन से आता था, नाम याद नहीं आ रहा है। और सब में दो दो कोर्स है, तो मुझे जोरहाट वाला में मिला था। एक्चुअली मैंने जोरहाट में अप्लाई किया था, ओ पी इंस्टीट्यूट हाउ टू यूज़ इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च पर्पस ऐसा वाला कुछ था, इंस्टीट्यूट को लेके था, इंस्टीट्यूट सॉरी इंस्ट्रूमेंट लैब इंस्ट्रूमेंट। तो उसके बाद अभी तो नहीं जा पा रहे वहाँ पे, क्योंकि घर में इतना बीमार लोग हैं, मेरा मोम बीमार है, ग्रैंडमा बीमार है, तो देखना पड़ता है, सुबह जाके मेडिकल जाना पड़ता है, उन लोगों के साथ दवाई देना पड़ता है। जोरहाट तो चला गया, पर अभी लकीली नरेश में मेरा गला को क्या हो रहा है नरेश में मिला, और आज फर्स्ट डे था मेरा जो कि 5 डेज लेट हो गया। और क्योंकि हम लोग इंटरव्यू के बाद हम लोग का जब सिलेक्शन हुआ तो हम लोग का बहुत लेट हो गया था, लेट हो चुका था। हाँ, एंड स्पेशल रिक्वेस्ट पे डाल दिया था, स्पेशल रिक्वेस्ट पे डाला, कुछ कनेक्शन वनेक्शन का कुछ नहीं है, बस
हमको लगा कि वो लोग को हम लोग का इंटरव्यू अच्छा लगा कि ऑब्वियसली हम लोग थोड़ा इमेच्योर था, मतलब अभी जस्ट ग्रेजुएट भी नहीं हुआ तो ऑब्वियसली जॉब मिलना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि ऑलरेडी इतना ग्रेजुएट कोई कोई लोग जॉब किया वाला भी आ रहा था इंटरव्यू देने के लिए। कोई मेरा व्हाट्सएप में मैसेज कर रहा है। कुछ साइलेंट वाला फैन होता तो ठीक था। और आई थिंक कुछ मंथ के बाद वापस से ये स्किल वेदान आने वाला है जो कि बहुत अच्छा है, तो अगर आते हैं तो हम ऑब्वियसली यूट्यूब में डाल देगा और मेरा इंस्टा में भी डाल देगा। आप लोग भी अप्लाई करो जो स्टूडेंट है। और आज कई दिन का बारे बात कर रहे थे ना, पता नहीं क्या हो रहा हूँ। और हम चाहते हैं कि ये वीडियो को हम जो पोस्ट कर करके बनाए क्योंकि इतना लंबा वीडियो एडिटिंग करने में वो बहुत मुश्किल होगा और मेरे पास टाइम नहीं है और एफर्ट भी नहीं डालना हमको, और अब टाइम नहीं है मेरे पास। मेरा वीडियो को हम ऐसा सोचा कि मंडे ट्यूजडे ना वेडनेसडे को एक वीडियो डालेगा, फिर थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे को डालेगा, वेडनेसडे और सैटरडे को, संडे हमको रेस्ट चाहिए होता है सैटरडे। और हम पहले बुड्डू जैसे क्या सोचता था, ये जो यूट्यूबर होते हैं वो लोग जो लास्ट मिनट एडिट करके जैसे कि कल अपलोड करना है तो वो लोग आज आज डालते हैं, ऐसा नहीं है, वो लोग पहले ही सब कुछ वीडियो एडिट कर देते हैं डाल देते हैं और उसके बाद उसमें क्या बोलते हैं शेड्यूल टाइम है ना उसको सेट करते हैं जैसे कि ये डेट में ये टाइम, और हमको हमको लगता था कि वो लोग हर दिन एक दिन पहले करते हैं, जैसे कि अभी वेनेसडे का वीडियो को मंडे में एडिट करके डाल देते हैं, ऐसा नहीं होते रहे। हम मेन दरवाज़ा बनने के, और जो किचन में एक अंडा था तो हम वो दो काम करके आते हैं। हम आ गए अंडा लेके। हाँ तो वही हम बताना चाहता था कि मेरा रिसर्च जो अभी मेरा जो रिसर्च पीरियड चल रहा है, डिसर्टेशन का जो पीरियड चल रहा है वो भी बहुत ख़राब जा रहा है। हम स्टार्ट नहीं किया अभी, हमको प्रपोजल भी लिखना है जबकि जनवरी से हम लोग का स्टार्ट हो जाता है, जनवरी से हम लोग का ये डिसर्टेशन टाइम चला गया स्टार्ट हो गया तो जनवरी फरवरी अभी मार्च का आधा बहुत दुखी है। और हम इतना डीमोटिवेट हो रहे हैं। अभी आज मेरा एक दोस्त था जो यहाँ पे ईटानगर में मेरा अलग में बैठा था, उसका भी ऑफलाइन क्लास होके वो भी चला गया, अभी हमको इतना बोर हो रहा है। ये स्किल विदन के बारे में ना हम आज तो फर्स्ट डे ही था ना तो और थोड़ा दिन जानी थी हमको, और उसके बाद हमको जितना पता चलते हैं कोर्स के बारे में हम शेयर करेगा। एक्चुअली हम जब सोच रहा था मतलब ये वीडियो बनाएगा बोल के बनाने से पहले मेरे दिमाग में बहुत कुछ बात चल रहा था, साइलेंट टॉक होते हैं ना जहाँ पे आप खुद को बात कर रहे होते पर आप बात नहीं कर रहे होते, आपका दिमाग बात कर रहा होता है। तो उसके बाद हमको लगा कि चलो हम वीडियो में वीडियो बना दें इसका, हम चाहते हैं कि हम बात करें, पर अभी सब भूल गया।
उनको बहुत दिन से कुछ तो क्रेविंग हो रहा था, स्पाइसी का क्रेविंग हो रहा था, पर दो बार तो स्पाइसी नूडल्स खा लिया, जबकि एक बार मैं मम्मी खा लिया था। मम्मी को भी अभी आजकल अच्छा लगता है स्पाइसी नूडल्स, और अभी ये भी स्पाइसी है। अच्छा ये तो अभी क्या करूँ, ऐसा करती हूँ मुझे सुसु करने जाना है, सुसु कर लेती हूँ और इसको मैं ड्रामा देख के ख़त्म करूँ। मुझे कोरियन ड्रामा देखना है, और हाँ एक वीडियो कोरियन ड्रामा के ऊपर मैं मुझे बनाना है, क्योंकि कोरियन ड्रामा बहुत अच्छा है। क्योंकि मुझे लगता है कि कोरियन ड्रामा आई थिंक मी एंड द पीपल हु सी कोरियन ड्रामा इन देयर डेली बेसिस दे विल एग्री विद मी कि कोरियन इंडस्ट्री द के ड्रामा इंडस्ट्री हैज़ सम ऑफ द बेस्ट बेस्ट मूवी। हाँ मूवी भी है, हाँ मूवी है, ड्रामा है, कोई कोई ड्रामा आपको 16 एपिसोड है जो कि आप 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। नहीं पर अब जब ड्रामा सोचते हो तो आप लोग सोचते हैं कि यार सीरियल देख रहे हैं, पर सीरियल क्या, हम लोग टीवी इंडियन टीवी सीरियल को जब हम लोग इंडियन टीवी सीरियल के साथ अगर आप के पॉप ड्रामा का जो कंपेयर करेगा तो प्लीज़ के ड्रामा इधर होने से इंडियन सीरीज वो उधर कहीं गायब। कोई भी सीरीज हमको नहीं लगता है उसका कोई भी 1% भी आएगा। पर ये हेड वीडियो नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ बस समझाते कि हाँ मेरी मम्मी क्या हमारे बात कर रहा था अभी हमको याद नहीं आ रहा है। हाँ कोरियन ड्रामा आई थिंक हम 20 मिनट का हमको लग रहा है ये वीडियो 20 मिनट का होने वाला है, तो हमको 2-3 ड्रामा देखने हैं जो कि रिव्यू बहुत अच्छा है और आदमी लोग भी बहुत देख रहे हैं, और हमको भी पता है कि वो अच्छा होगा क्योंकि हम उसको छोटा छोटा जो वीडियो देखा हमको बहुत अच्छा लगा, तो अभी हम देखिएगा। बाय, गुड नाइट।